पुंछ में सेना के ट्रक पर आतंकी हमले और राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्ना हो गई हैं। खुफिया एजेंसियां पुंछ और राजौरी में मौजूद लश्कर के आतंकियों के गुटों को लेकर चिंता में है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि लश्करे तैयबा के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में G20 बैठक के दौरान 26/11 जैसे हमले की योजना बना रहे हैं। इसके लिए ये आतंकवादी YSMS टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। YSMS यानी येलो स्टोन मैसेज सर्विस। YSMS में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के माध्यम से संपर्क किया जाता है। इससे लाइन ऑफ विजन रेंज में आ रहे आतंकी एक दूसरे को आसानी से मैसेज, लोकेशन, SOS अपील भेज सकते हैं। इसमें सिम कार्ड के बिना स्मार्टफोन का उपयोग शामिल है, जिसे बाद में ब्लूटूथ से रेडियो सेट के साथ जोड़ा जाता है। इसे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल काम है, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ना लाजमी है। VHF का इस्तेमाल करके आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी चिंता यह है कि इसमें किसी सिम कार्ड, डेटा या टेलीकॉम ऑपरेटर का कोई रोल नहीं है। इनक्रिप्टेड संदेशों के डिजिटल फुटप्रिंट न होने के कारण इसे ट्रेस करने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। हाल ही में इसी पर शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने एक बैठक भी की और आशंका जताई कि आतंकी हाई एंड तकनीक का इस्तेमाल कर हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इससे पहले 2016 और 2019 के घातक हमलों में भी आतंकियों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पुंछ और राजौरी में लश्कर के आतंकियों के गुटों का भी पता चला है। इसमें से 12 ऐसे हैं जो काफी हाई ट्रेंड हैं। उन्हें स्थानीय सहायता और टो लेने के लिए 3 गाइड के साथ 3 समूहों में बांटा गया है। ये सुरक्षित रास्तों से आते हैं और सेना के जवानों पर हमला करते हैं। ये सभी खतरनाक आतंकी लश्कर के साजिश जाट से प्रशिक्षण लेकर आए हैं। अब इनकी नापाक आंख G20 बैठक पर है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी विदेशी मेहमानों के रहते हुए जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं।